एमएलसी चुनाव को लेकर सदर तहसील में हुई मतदान प्रक्रिया कड़ी चौकसी के बीच शुरू। नगर विधायक मनीष असीजा संग अन्य मतदाताओं ने भी किया अपने मत का प्रयोग। आरोपों पर बोले विधायक मनीष असीजा, गुंडागर्दी नहीं चल रही इसलिए मचल रहे हैं। फिरोजाबाद में एमएलसी का चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की कड़ी चौकसी के बीच मतदान प्रक्रिया तहसील सदर में शुरू हुई। नगर विधायक मनीष असीजा ने भी अपना मत डाला। इस दौरान एसडीएम सदर मनोज कुमार ने बताया कि सारी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण हैं, हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव करा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नगर विधायक मनीष असीजा ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा की सरकार माननीय मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान इस आधार पर कार्य कर रही है, उसके आधार पर इतना बड़ा जनविश्वास उत्पन्न हुआ है। उन्हें लगता है कि हम लोगों को क्लीन स्वीप में लाने वाला है। भाजपा की नीतियों से प्रभावित न केवल आम जनमानस अपितु उससे प्रभावित प्रतिनिधि व सब लोग देख रहे हैं कि एकमात्र माननीय मोदी जी व योगी जी के नेतृत्व की ये सरकार सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान पर कार्य कर रही है। आरोपों पर कहा, जिन लोगों ने हमेशा ऐसा किया है उन लोगों को लगेगा मीडिया से बढ़कर कौन है, इससे ज्यादा शराफत और शालीनता से चुनाव कभी हुआ। इन लोगों की हरकतें देखी थी, 7 तारीख से खाना तलाशी लेने बैठ गए, क्या है ये कानून किसी की जेब का है। जिस ईवीएम में इनके वोट इनके थे उसमें वोट हमारे भी थे, कांग्रेस के थे, बसपा के थे, आम आदमी पार्टी के भी थे, ये कैसे मालिक बन सकते हैं। गुंडागर्दी कर रहे हैं और गुंडागर्दी नहीं हो पा रही है तो मचल रहे हैं। 7 तारीख से 10 तारीख तक लोकतंत्र के कौन से पंखे थे जो ये चला रहे थे। विधान परिषद का आप भी वोट डालने आए सर, कितनी सीटें आ रही हैं आपको लग रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान इस आधार पर कार्य कर रही है, उसके आधार पर इतना बड़ा जनविश्वास उत्पन्न हुआ है जो मुझे लगता है कि हम लोगों को क्लीन स्वीप दिलाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांतों से प्रभावित न केवल आम जनमानस है अपितु आम जनमानस के प्रतिनिधि जिनमें प्रधान हैं, बीटीसी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, पार्षद हैं, सभासद हैं, वो सब लोग भी देख रहे हैं कि एकमात्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की ये सरकार ही है जो उनके क्षेत्र में भी कल्याणकारी योजनाओं को गति देंगी, भेदभाव नहीं होगा, जाति धर्म का गंदा खेल नहीं खेला जाएगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका सम्मान होगा। सर, जैसे आरोप समाजवादी पार्टी भी लगा रही है कि कहीं गड़बड़ी ना हो जाए जिला पंचायत की तरह या ब्लॉक प्रमुख की तरह, सर आप कैसे देखते हैं? नहीं, जिन लोगों ने हमेशा इस तरीके के काम किए हैं उनको तो लगेगा कि ऐसा होगा, लेकिन आपसे बढ़कर कौन है, आप ही तो हैं निष्पक्ष लोकतंत्र की आंख, तो आप खुद हृदय से बताएं इससे ज़्यादा शराफत और शालीनता से कहीं चुनाव हो रहा। और इन लोगों की तो आपने हरकतें देखी थी, 7 तारीख से ये खाना तलाशी लेने बैठ गए, DM की, SP की, सिटी मजिस्ट्रेट की, ADM की, ऑब्जर्वर की, क्या है कोई किसी की मतलब कानून किसी की जेब का है जी? जिस EVM में वोट इनके थे उसमें तो हमारे भी थे, कांग्रेस के भी थे, भाजपा के भी थे, आप पार्टी के भी थे, ये कैसे मालिक बन सकते? गुंडागर्दी कर रहे हैं और गुंडागर्दी नहीं हो पा रही है तो मचल रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है। इनको और तीखे प्रश्न पूछें आप लोग कि वो 7 तारीख से 10 तारीख तक लोकतंत्र के कौन से पंखे थे जो ये चला रहे थे फुल स्पीड पर।